Today, I would like to read out a poem, Time by Name. Time is a thing well known to every one of us. I have tried to depict time as it has been said by many other poets, writers, etc., etc. But along with it, I have advised my brothers and sisters to tolerate the time in such a way that he does not go to the dogs because of time, and he does not go to use the time improperly, because time is most precious. Though we don't care, our days are limited. We have come here on the earth for a time-bound period. Life is nothing else but sum total of days, weeks, months, and years. When we have already consumed our days, we are no more. We are bound to go to burning hut or to grave. Thank you very much. May God bless you. Now I would request you to pay heed to the poem, the title of which is Time. Time. Time does not go alike. Time एक सा नहीं जाता है. It has ups and downs. इसमें भलाई भी है और बुराई भी है. Sometimes it gives happiness. कभी कभी ये हमको खुश कर देता है. Sometimes gives it pains and pangs. और कभी कभी बहुत ही दुखी भी बना छोड़ता है. During good time, हमारा जब टाइम अच्छा जाता है, friends and relatives are numerous, तब बहुत से दोस्त, बहुत से अपना आदमी तैयार हो जाता है. But no friends, no relatives, लेकिन अपना आदमी भी, अपना दोस्त भी बिछड़ जाता है. When the time is evil, जब टाइम बुरा चलता है, एक कास अभिशाप के मुताबिक हिसाब किताब से. गुड टाइम मैक्स फ्रेंड्स. अच्छा हालत टाइम जब अच्छा जाता है तो ये अच्छाई, टाइम का अच्छाई बहुत से दोस्त को बनाता है. बट इवन वन एग्जामिन देम. लेकिन आपका बुरा हाल, आपका खतरनाक हाल, आपका नुकसानदेह हाल आपका दोस्तों को, आपका रिलेटिव्स को टेस्ट करता है. बट डू रिमेम्बर. लेकिन मेरा कहना है आपको बढ़िया से याद रखने पड़ेगा विविडली. बट डू रिमेम्बर विविडली. विथ इन द कास्ट ब्लेसिंग इज हिडन. कास्ट के अंदर यानी अभिशाप के अंदर, बुराई के अंदर भलाई भी छुपा हुआ है. हर बुराई के साथ भलाई भी छुपा हुआ रहता है. ये महापुरुषों का बात है, ये महावाणी है. व्हाट वन नीड्स इज. जो जरूरत है आपका, हमारा, आदमी का, ए लिटिल पेशेंस, थोड़ा सा धीरज, ए लिटिल वेट, थोड़ा सा अपेक्षा. हेवन विल टेक स्टेप्स. वो जो सड़क है, अच्छा दिन है, वो स्टेप ले लेगा, वो आगे चला आएगा. टू ब्राइटन अप थाई पाथ.
आपका तकदीर को खोल देने के लिए, आपका तकदीर को भलाई अता करने के लिए, आपको खुशहाली अता करने के लिए। बस यही था पोएम विथ हिंदी मीनिंग। आई रिसाइटेड द पोएम बट नाउ आई वुड लाइक टू प्लेनली रीड इट वंस सो दैट रिदम कैन कम टू योर नॉलेज एंड ऑल्सो माई नॉलेज। टाइम टाइम डज नॉट गो अलाइक, इट हैज अप्स एंड डाउन्स, समटाइम्स इट गिव्स हैप्पीनेस, समटाइम्स गिव्स इट पेन्स एंड पैंग्स। ड्यूरिंग इट्स गुड टाइम फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स न्यूमरस, बट नो फ्रेंड नो रिलेटिव्स व्हेन द टाइम इज इवल एकास। गुड टाइम मेक्स फ्रेंड्स बट इविल वन एग्जामिन देम, बट डू रिमेंबर विविडली विथिन द कास्ट ब्लेसिंग इज हिडन। व्हाट वन नीड्स इज ए लिटिल पेशेंस ए लिटिल वेट, हिवन विल टेक स्टेप्स टू ब्राइटन अप दाई फेट। थैंक यू वेरी मच। May God bless you. May God endow you with a happy and long life. No more today. I am stopping here. Thank you very much.